बच्चों, इस लेक्चर में हम लोग देखेंगे आरएस नॉमेनक्लेचर ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में जिनमें एक से ज्यादा स्टीरियोजेनिक कार्बन हो। तो जैसे एक एग्जांपल मैंने आपके सामने यहाँ पे लिया है, एक स्टीरियोजेनिक कार्बन ये है, एक स्टीरियोजेनिक कार्बन ये है, ये एक ही मॉलिक्यूल के डिफरेंट मॉडल्स मैंने बनाए हैं और आप ये देख सकते हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, इसमें R और S नॉमेनक्लेचर करेंगे, CIP रूल के हिसाब से ग्रुप्स को प्रायोरिटी देंगे और इसके बाद RS नॉमेनक्लेचर करेंगे इसमें, और फिर इनका आपस में रिलेशन फाइंड आउट करेंगे कि ये एक दूसरे के एनेंसियोमर्स हैं या डायस्टीरियोमर्स, मींस व्हिच काइंड ऑफ स्टीरियोकेमिस्ट्री दे वर शेयरिंग विद ईच अदर, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। ठीक है बच्चों, तो अब देखिए सबसे पहले तो हम लोग क्या करते हैं, इसमें नंबरिंग कर लेते हैं, 1, 2, 3 and 4। तो कार्बन नंबर 2 and कार्बन नंबर 3 दो स्टीरियोजेनिक कार्बन है इसमें, तो सबकी नंबरिंग सेम होगी, 1, 2, 3 and 4 एंड यही जो है आईपीसी नेमिंग की भी नंबरिंग होगी, 1, 2, 3, 4। सो बेसिकली हमारे जो कार्बन नंबर 2 है C2 and C3, ये दो स्टीरियोजेनिक कार्बन हमारे पास इसमें प्रेजेंट है। ठीक है बच्चों, ठीक है, अब देखते हैं कैसे हम लोग इनको आर एस कॉन्फिगरेशन देते हैं और फिर उसके साथ साथ इनका आपस में क्या रिलेशन है। तो अगर देखा जाए हम कार्बन नंबर 2 की बात करते हैं तो ये एक ग्रुप है, इसको मिलेगी प्रायोरिटी 1, O के साथ जुड़ा हुआ है। फिर दूसरा है ये COOH, इसको मिलेगी प्रायोरिटी 2, सेकेंड प्रायोरिटी और CIP रूल के हिसाब से, और एक इसको हम लोग पूरा का पूरा ग्रुप मानेंगे। ठीक है बच्चों, एक पूरा का पूरा ग्रुप इसको मानेंगे हम लोग, ये होगा इसकी थर्ड प्रायोरिटी हो जाएगी और ये फोर्थ प्रायोरिटी। सो लोवेस्ट प्रायोरिटी ग्रुप कहां पे आ रहा है, हॉरिजॉन्टल लाइन पर। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूले में ये है कि लोवेस्ट प्रायोरिटी का ग्रुप कहां पे आ रहा है। अब हम लोग मूवमेंट देखेंगे, 1, 2, 2, 2, 2, 3, तो कैसा मूवमेंट आ रहा है बच्चों, काउंटर क्लॉकवाइज, काउंटर क्लॉकवाइज विद द लोवेस्ट प्रायोरिटी ग्रुप ऑन द हॉरिजॉन्टल लाइन, तो ये हो जाएगा R, जैसा कि मैं पहले लेक्चर्स में बता चुका हूं। ठीक है बच्चों, तो इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गया, R। तो फर्स्ट स्ट्रक्चर में, पहले स्ट्रक्चर में, दिस इज फर्स्ट स्ट्रक्चर, इसमें हम लोग ने निकाल दिया 2R। ठीक है, अब हम लोग थर्ड कार्बन की बात करते हैं। ठीक है, तो मैं इसको हटा दे रहा हूं यहां से, एक हम लोगों ने फाइनल कर लिया। ठीक है, ये सारी चीजें मैंने हटा दिया यहां से, 2R ये फाइनल हो चुका है। अब हम लोग बात करते हैं कार्बन नंबर 3 की। कार्बन नंबर 3 में ये ग्रुप है जिसको हाईएस्ट प्रायोरिटी मिलेगी, नंबर 1। फिर दूसरा ग्रुप ये है जिसको सेकेंड प्रायोरिटी मिलेगी, सेकेंड प्रायोरिटी। तीसरा ग्रुप ये है जिसको मिलेगी थर्ड प्रायोरिटी। ये ग्रुप पूरा का पूरा, इसको मिलेगी थर्ड प्रायोरिटी, और ये है फोर्थ ग्रुप जिसको मिलेगी लोवेस्ट प्रायोरिटी। सो अगेन लोवेस्ट प्रायोरिटी ग्रुप, इट इज ऑन द हॉरिजॉन्टल लाइन। सो इफ द लोवेस्ट प्रायोरिटी ग्रुप इट ऑन द हॉरिजॉन्टल लाइन, सो क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज विल गिव एस, काउंटर क्लॉकवाइज विल गिव आर। नाउ शो द मूवमेंट फ्रॉम 1, 1 to 2 and 2 to 3। सो यू आर गेटिंग व्हाट, काउंटर क्लॉकवाइज, so counterclockwise means R, right? So you have this configuration number 3 carbon, right? Now I am removing all these things, right? So
this is number 1, 2, 3, everything I have removed. Okay, so basically we are getting here 3R, 2R and 3R. So in the first structure, C2, carbon number 2 have R configuration and carbon number 3 has R configuration. Now come to here, right? In this molecule, again do the same thing. First priority to this, second priority to this, third priority to this, and fourth priority to this. Fourth priority, first, second, third, fourth priority on the horizontal line. So what will happen? You should move from 1 to 2, 2 to 3. You are getting clockwise movement like this, so this is clockwise, so this is S. Because with whenever lowest priority group it is on the horizontal line, you should consider clockwise S configuration, right? So this way you have found that this 2S. So what is the configuration here? 2S. 2S. Now come to the third carbon. So on the third carbon, you have first priority, you have this is fourth priority, this is second priority, and this is third priority. Now move from 1 to 2, 1 to 2, and 2 to 3, you are getting what? Clockwise. So clockwise means S. Now I am removing all these points, right? And we have 3S. So 2S and 3S. Now this is the second structure. So the second structure, the configuration of second carbon is opposite of this, right? And one more thing, if you do, if you put a mirror plane here, so what you will get? You will get the this is a mirror image of this. So how they are related to each other? So see, the R is giving S and R is giving S. So these, whenever the same carbon, two structures, everything is same, and we have different configuration, one has R and other one has S, the same carbon, then the two structures are said to be what? Enantiomers. So first and second, which type of stereochemical relation they were sharing? They are enantiomers of each other. Enantiomers. As I have already told you in the previous lecture, that if you are getting same carbon from R to S and R to S or S to R, then they are said to be enantiomers. Clear to everyone? Okay. Now come to the on the third structure. So if you consider this third structure, so without wasting your time, you can see here everything is same. So second, this OH in the right hand side, OH on the right hand side, H left, COH. So you can write here this is R. And if you compare this third carbon is equivalent to this AH this side, OH this side, COH. So this is basically S, right? So in the third structure, you are getting 2R and 3S. Means within molecule, one is chiral carbon has R configuration, other one has S, means both have opposite configuration. Now come to here. So if you compare this fourth structure, this carbon, this is equivalent to this. So this is S. And this is equivalent to this, so this is R. So in the fourth structure, what we are getting? In the fourth structure, we are getting 2S and 3R. Remember, dear students,
I have put it number from here 1, 2, 3, and 4. If someone may number this molecule from here, is there any technically wrong or technical problem? The answer is no. If you take this one and this COH is one, this is two, this is three, and this is four, right? So if you take this compound and numbering from this, so now you can write here that 2R and 3S, 2R and 3S, and 2S and 3R, here 2R and 3S. So these two molecules, there is some problem in these two molecules that they are not seems to be different. ये लग रहा है कि ये दोनों मॉलिक्यूल क्या है, सेम है. तो एक तो तरीका ये है कि जब आप इसको प्रॉपर आईपीएससी सिस्टम के हिसाब से नंबरिंग करिए, तो जब आप नंबरिंग कर रहे हो तो 2R एंड 3S मिल रहा है, यहां पर 2S और 3R मिल रहा है अगर आप इसको नंबर वन ले रहे हो. लेकिन अगर किसी ने यहां पे इसको यहां से शुरू किया और यहां से नंबरिंग उसने शुरू कर दिया, किसी बच्चे ने मान लेते हैं इसको नंबर वन दिया, किसी दूसरे ने इसको नंबर वन दे दिया, और दोनों कह रहे हैं कि नहीं हमारा सही है, बात दोनों की सही है और दोनों स्ट्रक्चर सेम है, ठीक है. तो ये बहुत ही सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल है और इसमें सिमेट्री है, ड्यू टू दैट रीजन आपको कोई डिफरेंस नहीं नजर आ रहा है. एक और ऑपरेशन करके हम लोग देख सकते हैं, अगर हम लोग इस मॉलिक्यूल को पेपर के प्लेन में 180 डिग्री रोटेट कर दें, 180 डिग्री रोटेट कर दें ऐसे क्लॉकवाइज, ठीक है. अगर इसको पूरा 180 डिग्री हम लोग रोटेट कर दें तो क्या मिलेगा, यही स्ट्रक्चर मिलेगा. और हम लोगों ने पढ़ रखा है कि किसी भी मॉलिक्यूल के 180 डिग्री प्लेन में रोटेशन के बाद जो स्ट्रक्चर मिलता है वो क्या होता है, आइडेंटिकल होता है. तो इसका मतलब ये दोनों स्ट्रक्चर्स क्या है, आइडेंटिकल है. तो बच्चों दो तरीके हुए इन दोनों स्ट्रक्चर्स को रिकॉग्नाइज करने का, एक तो आप नंबरिंग के बेसिस पर कर सकते हैं और दूसरा आप इस सिंपल ऑपरेशन से कर सकते हैं. तो हम लोग यहां पर ये लिखेंगे कि स्ट्रक्चर थ्री एंड स्ट्रक्चर फोर, स्ट्रक्चर थ्री एंड स्ट्रक्चर फोर, स्ट्रक्चर फोर, दे आर सेम मॉलिक्यूल, ठीक है बच्चों. स्ट्रक्चर टू थ्री एंड फोर, ये दोनों स्ट्रक्चर सेम है. ये कैसे हमने बताया, ये हमने ऐसे बताया बाई प्रॉपर नंबरिंग. तो दे आर सेम दैट टू आर थ्री एस इज इक्विवेलेंट टू 2S 3R, ठीक है. ये दोनों आपस में इक्विवेलेंट है, एक तो तरीका ये, और दूसरा तरीका है बाय प्रॉपर नंबरिंग, और दूसरा तरीका है रोटेशन ऑफ होल मॉलिक्यूल इन द प्लेन बाय 180 डिग्री इन द प्लेन ऑफ पेपर. तो प्लेन पेपर के प्लेन में 180 डिग्री रोटेट करने से हमें सेम स्ट्रक्चर मिल रहा है, इसलिए ये दोनों स्ट्रक्चर्स क्या है, सेम है. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट बच्चों, कि ये थर्ड एंड फोर्थ स्ट्रक्चर्स क्या है, सेम है. अब एक पॉइंट और इसमें देखा जाए, अगर इसमें हम देखें कि कौन सी सिमेट्री इजिली हम लोग देख सकते हैं, तो अगर इस मॉलिक्यूल में एक प्लेन हम लोग यहां से पास करें तो ये इस मॉलिक्यूल को दो इक्वल पार्ट में बाइसेक्ट कर रहा है, तो ये क्या कहा जाएगा, प्लेन ऑफ सिमेट्री. क्या कहा जाएगा, प्लेन ऑफ सिमेट्री. तो इस मॉलिक्यूल में इस मॉलिक्यूल को हम लोगों ने दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, एक पार्ट का कॉन्फिगरेशन दूसरे पार्ट के कॉन्फिगरेशन से अपोजिट है, तो ऐसा मॉलिक्यूल जो होगा उसकी ऑप्टिकल एक्टिविटी क्या होगी, तो ऐसा मॉलिक्यूल बच्चों हमेशा ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा. कैसा होगा, ऑप्टिकली इनएक्टिव. तो
स्ट्रक्चर नंबर थ्री, बहुत सारे क्वेश्चंस आपको इस स्ट्रक्चर से मिलेंगे, इस मॉलिक्यूल से मिलेंगे, और डायरेक्ट क्वेश्चंस आपको मिल जाते हैं एग्जाम में. तो स्ट्रक्चर थ्री, नाउ आई एम नॉट राइटिंग स्ट्रक्चर थ्री एंड स्ट्रक्चर फोर, आई एम नाउ राइटिंग स्ट्रक्चर थ्री और स्ट्रक्चर फोर बिकॉज बोथ आर सेम. सो स्ट्रक्चर थ्री और स्ट्रक्चर फोर आर ऑप्टिकली इनएक्टिव मींस ये इसका आधा मॉलिक्यूल अगर क्लॉकवाइज रोटेट करने की कोशिश करेगा प्लेन पोलराइज्ड लाइट को, तो आधा काउंटर क्लॉकवाइज और नेट रोटेशन क्या हो जाएगा, जीरो. ऑप्टिकली इनएक्टिव ड्यू टू इंटरनल कंपनसेशन and such type of isomers and such type of isomers type of isomers are said to be meso. Right, meso. So such type of isomers are said to be meso isomers. So structure 3 or structure 4 kya hai? Structure 3 or structure 4 kya hai ye? Meso compound. And the name of this compound is tartaric acid. So you can write here meso tartaric acid. So structure 3 और 4 यहां पर क्या हो गए, सेम, दोनों इक्वल स्ट्रक्चर्स हैं, देयर इज नो डिफरेंस स्टीरियोकेमिकली बिटवीन दीज टू. ठीक है, ऐसे देखने वाले को आप दिखाएंगे तो कहेगा कि हाँ दोनों पे डिफरेंस है, लेकिन अगर आप प्रॉपर केमिस्ट्री का रूल यूज करें, प्रॉपर नंबरिंग का रूल यूज कर लें, या रोटेशन ऑपरेशन को यूज कर ले, तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये दोनों मॉलिक्यूल स्टीरियोकेमिकली सेम है. ठीक है, सिर्फ हमें अपीयर हो रहे हैं कि दोनों अलग अलग लिखे गए हैं. ठीक बच्चों, अब हम लोग बात करते हैं यहां पर स्ट्रक्चर वन और थ्री का क्या रिलेशन है, स्ट्रक्चर वन एंड थ्री में क्या रिलेशन है. ठीक है, तो देखिए स्ट्रक्चर वन एंड थ्री में क्या रिलेशन है बच्चों, यहां पर नाउ सी बच्चों स्ट्रक्चर वन और थ्री में क्या रिलेशन है, तो ऐसे देख करके आपके लिए बताना बहुत मुश्किल है, लेकिन अगर आप आर और एस की टर्म में बताना चाहते हैं तो बहुत ही आसान है. ये देखिए स्ट्रक्चर वन में हमारे पास जो कॉन्फिगरेशन है वह है 2R3R, राइट. तो इसका है 2R एंड 3R, यानी सेकेंड कार्बन का आर और थर्ड कार्बन का, थर्ड स्टीरियोजेनिक कार्बन जिसका नंबर थर्ड है वो आर है. अब हम लोग अगर थर्ड स्ट्रक्चर में देखें तो थर्ड स्ट्रक्चर में क्या है, 2R एंड 3S है, 2R है और 3S है. ठीक है, तो अगर आपको याद हो तो मैंने आपको बताया था कि R का मिरर इमेज जो बनता है, अगर हम मिरर प्लेन में उसको रिफ्लेक्ट करें तो उसका कॉन्फिगरेशन अगर हम निकालते हैं तो S मिलता है. अब देखिए 2R है और इसका भी 2R है, यानी सेकेंड कार्बन का कॉन्फिगरेशन सेम है और थर्ड कार्बन का कॉन्फिगरेशन उल्टा हो गया. तो अगर आप यहां पे मिरर प्लेन लगाते हो तो ये स्ट्रक्चर तो कभी मिल ही नहीं सकता. क्यों, अगर आप देखो लगा करके इन दोनों को, फिर से मैं अगर लगाऊं यहां पे, फिर से मैं बना देता हूं बेटर विजुअलाइजेशन के लिए, COOH. अगर आप मिरर प्लेन से देखना चाहते हो तो भी आप देख सकते हो, ये हमारा फर्स्ट स्ट्रक्चर है और ये अगर हम लोग इसमें मिरर प्लेन लगाते हैं मिरर में देखते हैं इसको,
तो क्या मिलेगा बच्चों, इसका मिरर प्लेन मिलेगा COH और COH तो अपनी ही जगह रहेंगे मिरर में, ये H यहां पे आ जाएगा, H यहां पे आ जाएगा और OH यहां पे आ जाएगा, और ये OH यहां पे आ जाएगा और ये H यहां पे आ जाएगा। तो अगर हम लोग ये स्ट्रक्चर वन है हमारा और ये स्ट्रक्चर अगर हम लोग थ्री मानते हैं तो ये स्ट्रक्चर थ्री मिल ही नहीं रहा है हमें। तो चाहो तो आप वन और थ्री को आप ये लिख सकते हो कि वन एंड थ्री ये दोनों एक दूसरे के क्या है, नॉन मिरर इमेज, नॉन मिरर इमेज, यानी इनका आपस में कोई मिरर रिलेशन नहीं है। और अगर आर एस के टर्म में देखना चाहते हैं तो आर का मिरर इमेज एस मिलेगा, इसका तो ठीक है मिल रहा है कि भाई आर का हमने यहां पे मिरर लगाया तो मिरर इमेज इसका एस मिलेगा। तो हम लोग आर और एस से भी ये बता सकते हैं कि इनका आपस में कोई मिरर रिलेशन नहीं है। तो बच्चों ऐसे दो आइसोमर्स, स्टीरियो आइसोमर्स जो एक दूसरे के मिरर इमेज नहीं होते हैं या जिनको हम रिफ्लेक्ट मिरर में नहीं कर सकते हैं, या कॉन्फिगरेशन देखिए आधे मॉलिक्यूल का सेम है दूसरे पार्ट का अपोजिट हो गया, तो ऐसे स्ट्रक्चर्स एक दूसरे के डायस्टीरियोमर्स कहे जाते हैं। तो बच्चों वन और थ्री एक दूसरे के क्या हो गए, डायस्टीरियोमर्स। इसी तरीके से अगर आप टू और थ्री में रिलेशन देखेंगे, टू एंड थ्री में रिलेशन देखेंगे तो ये भी एक दूसरे के क्या कहे जाएंगे, डायस्टीरियोमर्स। देखिए ध्यान से, अगर आप इसको और इसको देखते हैं तब भी आप इसका मिरर इमेज नहीं आपको ये मिलेगा। यहां देखिए एस है तो यहां पे आर है और यहां पर एस है तो यहां पर एस है, तो दोनों सेम हो गए, यहां पे अपोजिट हो गया, इसका मतलब इन दोनों का आपस में कोई मिरर रिलेशन नहीं है। ठीक है बच्चों, तो सेकंड एंड थर्ड भी एक दूसरे के क्या कहे जाएंगे, डायस्टीरियोमर्स। तो देखिए अब कंप्लीट एक्सप्लेनेशन क्या हो गया इसमें, फर्स्ट एंड सेकंड ये हो गए एनेंसियोमर्स। एनेंसियोमर्स हो गए तो मतलब ये ऑप्टिकली स्टेबल होंगे, एक इसमें डी प्लस होगा दूसरा इसमें एल माइनस होगा, और फर्स्ट एंड थर्ड अगर आप लेते हैं या सेकंड एंड थर्ड लेते हैं तो ये एक दूसरे के क्या कहे जाएंगे, डायस्टीरियोमर्स, डायस्टीरियोमर्स। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से आप एनेंसियोमर्स और डायस्टीरियोमर्स को आइडेंटिफाई करने की कोशिश करेंगे। डायस्टीरियोमर्स एक दूसरे के का आपस में कोई मिरर रिलेशन नहीं है, और आर और एस के टर्म में भी आप इसको क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं। अगर मैं एक बहुत ही जनरल बात करूं इसमें तो बहुत ही जनरल टर्मिनोलॉजी हम लोग यूज कर सकते हैं, इस मॉलिक्यूल को टार्टरिक एसिड को हम लोग लिख सकते हैं CABC एंड CABC टाइप मॉलिक्यूल, यानी CABC का मतलब ये कार्बन नंबर टू है और ये कार्बन नंबर थ्री है, तो CABC का मतलब दोनों कार्बन काइरल कार्बन जो है हमारे पास, ये भी काइरल है और ये भी काइरल है, दोनों काइरल कार्बन के जो सब्स्टिट्यूएंट्स हैं वो सेम है, ABC ABC, तो हम ये कह सकते हैं कि ये दोनों काइरल कार्बन क्या है, इक्विवेलेंट है। तो अगर ऐसी सिचुएशन कभी भी आती है हमारे पास, तो हम लोग इस तरीके से एक सेट बना सकते हैं कि इस मॉलिक्यूल में टू आर एंड इसका कॉन्फिगरेशन आर हमने माना टू आर और थ्री आर है। अब इसमें अगर टू आर एंड थ्री एस हो जाए, ठीक है, टू आर एंड थ्री एस हो जाए तो बताओ इन दोनों का आपस में क्या रिलेशन हो जाएगा, ये दोनों एक दूसरे के डायस्टीरियोमर्स हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, डायस्टीरियोमर्स। अब अगर हम लोग एक और कॉम्बिनेशन ले लें, यहां पर 2s एंड 3r,
और इसका एक और कॉम्बिनेशन ले लें, 2s एंड 3s, ठीक है, और इसका आपस में, तो जरा ध्यान से देखो, 2r 3r, ठीक है, 2r 3r, 2s 3s, तो r का मिरर इमेज s और r का मिरर इमेज s, तो ये हो गए एनेंसियोमर्स। एनेंसियोमर्स इनका आपस में क्या रिलेशन जाएगा बच्चों, 2s 2s 3s 3r, तो ये हो गए डायस्टीरियोमर्स, कोई मिरर रिलेशन नहीं बनता है। अब इन दोनों में क्या रिलेशन हो जाएगा, 2r को 2s कर दिया, 3s को 3r कर दिया, अगर ये इस तरीके का मॉलिक्यूल है, ठीक है, अगर इस तरीके का मॉलिक्यूल है जिसमें इक्विवेलेंट स्टीरियोजेनिक कार्बन है, तो ये दोनों मॉलिक्यूल्स क्या हो जाएंगे, सेम, यानी 2r 2s 3s 3r, ये क्या हो जाएंगे, सेम। तो ये जो केस मैंने डिस्कस किया है, दिस टाइप ऑफ मॉलिक्यूल्स का मतलब टार्टरिक एसिड लाइक, टार्टरिक एसिड एसिड टाइप मॉलिक्यूल अगर हमारे पास है, तो उसमें इस तरीके से हम लोग जनरलाइजेशन कर सकते हैं। अब अगर किसी भी टाइम पर इसका आपस में रिलेशन पूछा जाए, 2s की जगह पे 2r, 3s की जगह 3s, तो ये भी डायस्टीरियोमर्स होगा, ठीक है। अगर 2r और इसका हम लोग किसी भी पॉइंट पर रिलेशन पूछें, तो ये भी क्या हो जाएंगे, डायस्टीरियोमर्स। तो इस तरीके से बच्चों हम लोग आपस में इनके रिलेशंस एक दूसरे से क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं, और उसमें क्या ये बना रहे हैं, डायस्टीरियोमर्स या सेम मॉलिक्यूल हैं या ये एनेंसियोमर्स हैं, ये हम लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं। लेकिन जैसे ही इसमें कोई एक ग्रुप अलग हो गया, मान लेते हैं कि ये एबीसी है और ये एबीडी आ गया, एक भी ग्रुप डिफरेंट हो गया, मान लेते हैं हमने दूसरा एक सिस्टम ले लिया, मान लेते हैं अब की बार हमारे पास सी ए बी सी है और सी ए बी डी है, ठीक है, और ये दोनों काइरल हैं, ये दोनों काइरल हैं, मान लेते हैं कि ये कार्बन नंबर वन है, वन है, ये कार्बन नंबर टू है, तो अगर ये मॉलिक्यूल है ए बी डी आ गया, यहां पर ए बी सी आ गया, तो हमारा जनरलाइजेशन अलग हो जाएगा, ये इस मॉलिक्यूल की तरह नहीं होगा, एबीसी एबीसी टाइप, ठीक है। तो अगर हमारे पास इस तरीके का कोई सिस्टम आ गया, एबीसी एंड एबीडी, एक ग्रुप ही अलग हो गया, तो अब ये दोनों कार्बन यानी सी वन एंड सी टू आर नॉट इक्विवेलेंट, पहला पॉइंट तो ये नॉट इक्विवेलेंट, ये दोनों इक्विवेलेंट नहीं है। अब ऐसी सिचुएशन में अगर हमारे पास कोई स्टीरियोकेमिकल रिलेशन मिलता है, फॉर एग्जाम्पल 1R एंड 2R है, और इसको हमने कर दिया 1R एंड 2S, फिर इसमें एक और चेंज किया हमने 1S 2R, और यहां पर हमने चेंज किया 1s 2s और इनका आपस में रिलेशन। तो अगर हम इन सभी को देखें ध्यान से, ठीक है, तो देखिए 1r 2r, R का R ही रह गया और R का S हो गया, ऐसा तो हो नहीं सकता कि मॉलिक्यूल का आधा पोर्शन जो है चेंज हो जाए और आधा पोर्शन वही रहे, तो ये दोनों मिरर इमेज नहीं है, मिरर रिलेशन नहीं है, तो ये गायब हो गए। 1R 1S 2S 2R, मैंने R का मिरर इमेज S होता है, S का मिरर इमेज क्या होता है, R होता है, तो बच्चों ये एनेंसियोमर्स हो गए, एनेंसियोमर्स हो गए। 1s 1s 2s 2r, मतलब एक का तो वही रहा, दूसरे का बदल गया, तो ऐसा हो ही नहीं सकता, तो ये डायस्टीरियोमर्स, मिरर रिलेशन में ऐसा नहीं हो सकता, मतलब ऐसा नहीं हो सकता, एक का मतलब ये नहीं कि ऐसा पॉसिबल नहीं है।
ऐसा मिरर रिलेशन में नहीं हो सकता, 1R, 1S, 2R, 2S, तो ये क्या हो गया, एनेंसियोमर हो गए, एनेंसियोमर हो गए। अब अगर हम इसका आपस में रिलेशन देखें तो 1S, 1R, 2S, 2S, ठीक है, तो S का R हो गया, S का S ही रहा, तो ये डायस्टीरियोमर्स हो गए। अगर हम इनका आपस में रिलेशन देखें तो इसमें 1R, 1S, 2R, 2R, दूसरे का सेम रहा, पहले का उल्टा हो गया, तो ये भी आपस में डायस्टीरियोमर्स। तो देख लो ध्यान से बच्चों कि अगर आपके पास ऐसा कोई सिस्टम है जिसमें नॉन इक्विवेलेंट कार्बन है, ठीक है, तो ऐसी सिचुएशन में वो क्या हो जाएंगे, इस तरीके का रिलेशन रखेंगे, ठीक है। और अगर इस तरीके का सिस्टम है लाइक टार्टरिक एसिड, जो कि मैंने यहां पे डिस्कस किया, तो ऐसी सिचुएशन में क्या होगा, एक स्टीरियोआइसोमर रिड्यूस हो जाएगा और तीन ही मिलेंगे और इसमें टोटल चार डिफरेंट आइसोमर्स मिलेंगे, 1, 2, 3, 4, तो इसमें टोटल मिलेंगे फोर स्टीरियो आइसोमर्स और इसमें टोटल मिलेंगे हम लोगों को थ्री स्टीरियो आइसोमर्स, दो होंगे एनेंसियोमर्स और एक होगा इसमें डायस्टीरियोमर्स, ठीक है। तो बच्चों मैं इसका एक एग्जांपल कराता हूं आप लोगों को, ये किस तरीके का मॉलिक्यूल है, ये बच्चों है मॉलिक्यूल सी, देखिए सी टू हमने लिया, ए बी सी, तो ए बी सी, फिर दूसरा कार्बन है ये है ए बी, लेकिन एक ग्रुप अलग है इसमें, तो ए बी डी, तो ये दूसरे टाइप का जो केस हमने लिया था यहां पर, ये वाला केस है सी ए बी सी एंड ए बी डी। देखो आप ध्यान से, तो अगर आप ध्यान से देखो यहां पर, तो ए को हम लोग मान लेते हैं, ए है ओ एच, ए इज इक्वल टू ओ एच, बी इज इक्वल टू एच, बी इज इक्वल टू एच, सी इज इक्वल टू मैं मान ले रहा हूं सी एस थ्री, सी इज इक्वल टू सी एस थ्री, एंड डी इज इक्वल टू सी एस थ्री सी एच टू, सी एस थ्री सी एच टू। तो इस तरीके से ये मॉलिक्यूल अब आप देख सकते हैं बहुत आराम से, टू आर थ्री आर, टू आर थ्री आर। अब यहां पे देखिए 2s 3s, तो r का मिरर इमेज s, r का मिरर इमेज s, तो ये दोनों एक दूसरे के एनेंसियोमर हो गए। अब यहां पे आइए 2r 3s, 2s 3r, r का मिरर इमेज s, 3s 3r, s का मिरर इमेज r, तो ये दोनों भी एक दूसरे के एनेंसियोमर हो गए। अब इन दोनों में रिलेशन देखिए, 2s 2s, यानी दूसरे कार्बन का कॉन्फिगरेशन सेम है, लेकिन तीसरे का क्या है 3r एंड 3s, तो ये हो गए डायस्टीरियोमर्स। क्या हो गए, ये डायस्टीरियोमर्स। इसी तरीके से इन दोनों में आपस में रिलेशन देखेंगे तो वो भी डायस्टीरियोमर्स हैं, इन दोनों में आपस में रिलेशन देखोगे तो वो भी डायस्टीरियोमर्स हैं, ये भी डायस्टीरियोमर्स हैं, और ये भी आपस में डायस्टीरियोमर्स हैं। तो कुल देखा जाए तो इसमें टोटल आपको चार स्टीरियो आइसोमर्स मिलेंगे और आपस में डिफरेंट रिलेशन मिलेगा आपको इस एनेंसियोमर्स और डायस्टीरियोमर्स का, ठीक है बच्चों। तो ये है डायस्टीरियोमर्स और एनेंसियोमर्स कैसे हम लोग आर और एस के टर्म में बता सकते हैं, ठीक है बच्चों।